नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो को पर डे देखते हैं, उन लोगों का थैंक यू सो मच। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोग जो अपना कीमती 10 मिनट मुझे देते हो ना, उससे मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी जो है सुधार रही हूँ, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रही हूँ। वैसे जो लोग मुझे मेरे डेली ब्लॉग जो है देखते हैं, उनको पता होगा कि डॉक्टर ने मुझे जो है ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, और इसमें मुझे आप लोगों की हेल्प भी चाहिए होगी। अभी नहीं चाहिए, अभी मुझे जो है ये जुलाई चल रहा है, अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर में मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी। तो अक्टूबर में मैं अपनी जो है क्या कहते हैं गूगल पे नंबर जो है आप लोग को जो है मेंशन कर दूंगी अपनी स्क्रीन पे, क्योंकि जो है उस समय शायद मेरे पास उतने पैसे ना रहे, क्योंकि जो है यूट्यूब की कुछ ऐसी जो है प्रोसेस चल रहे हैं जिनसे जो है हमारे जो है बहुत ज़्यादा इनकम जो है कट हो जा रहा है। तो अच्छी इनकम नहीं हो पा रही, बस इतनी ही इनकम मुझे चैनल से हो पाती है कि जिससे मैं घर का गुजारा करूँ, बस उतनी हो पाती है। बाकी जो है टैक्स वगैरह भी कट रहा है, और मेरे 2 चैनल में प्रॉब्लम भी हो गई, उनसे कुछ भी इनकम मुझे नहीं होती है। ब्लॉग वाले चैनल पे मेरे हर 3रे महीने जो है सैलरी मेरी आती है, बस इसी चैनल से मुझे हर महीने आता है, जो भी आता है थोड़ा बहुत इसी चैनल से आता है। तो मुझे अक्टूबर में आप लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे लगता है, और उम्मीद है कि आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। अगर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं 50-50 ही रुपये मुझे देंगे या 100 रुपये ही मुझे देंगे, तो भी मेरी ऑपरेशन हो जाएगी। और ऑपरेशन जो है ऑपरेशन में मेरे कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर जुटा पाऊँगी तो 10-15 हज़ार जुटा पाऊँगी, उससे ज़्यादा नहीं जुटा पाऊँगी, क्योंकि मेरी इनकम का कोई और ज़रिया नहीं है। और जो मैंने दुकान डाली है और उतनी अच्छी अभी नहीं चलती है, इस वजह से मैं आप लोगों से हेल्प लेना चाहती हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग मुझे समझेंगे, और ऑपरेशन करवाना मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमेशा मेरे पेट में जो है दर्द बना रहता है, उल्टी दस्त की शिकायत मुझे बनी रहती है। इस वजह से मेरा शरीर जो है सूज जा रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोरी मेरे शरीर में रहती है। चलिए मेन मुद्दे पे चलते हैं आज की वीडियो को। आप लोगों को मैं परेशान नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे व्यूवर्स हो, मेरी फैमिली हो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। तो जो भी था मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, आप लोग अक्टूबर में तैयार रहिएगा, और थोड़ा सा 100-150 रुपये जो भी जिनको देना होगा मुझे दीजिएगा, ताकि मैं अपना ऑपरेशन करवा सकूँ। और कम से कम मुझे 1 महीने की मुझे रेस्ट भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जो है शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। वैसे मेरा अभी से दिल बैठा जा रहा है, मुझे करवाना है, और मैं जो है थोड़ी नर्वस टाइप की मतलब हो जाती हूँ जब सोचती हूँ इस चीज़ को। और इसमें जो है आप लोगों की थोड़ा जो है मोटिवेट जो है कमेंट भी मुझे चाहिए, ताकि मुझे थोड़ी सी ताकत मिल सके। वैसे मैं हिम्मत वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर मन की हूँ, सब लोग इस बात को जानते हैं। तो टॉपिक आज की क्या है, इस पे बातें करते हैं। टॉपिक आज की क्या है, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो एक मौसी थी 50-55 साल की, अपने जो है बेटे के साथ जो है गलत संबंध बनाना चाहती थी। तो उस पर जो है कुछ ऐसे कमेंट आए थे, उन लोगों ने जो है अपना जो है पॉइंट रखा था। पॉइंट क्या रखा था मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इन्होंने लिखा था कि ये देखिए कमेंट ही है, मेरे नागवंशी फैमिली की ही कमेंट है, और काम की पीड़ा किसी को भी किसी उम्र में हो सकती है, कारण कुछ भी हो सकता है। इस है शख्स की मौसी काम की पीड़ा से ग्रसित हैं, और 55 साल की उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती। मैं जब 19 साल का था तब मेरे साथ एक अधेड़ महिला ने, जो बहुत आकर्षक थी, सेक्स किया था कई बार। उम्र के उस दौर में मुझे भी कुछ ज्ञान नहीं था, और मुझे भी उस समय बहुत आनंद मिलता था। शरीर की भूख भी एक सामान्य भूख जैसी होती है, जिसमें अगर उस भूख को शांत ना किया जाए तो गंभीर शारीरिक और मानसिक परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं। बात जरा कड़वी है, लेकिन सच है। यह मौसी के साथ भी घटा है कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो मैंने उस वीडियो में यही बोला था कि ये सब गलत होता है, क्योंकि माँ और बेटे का एक ऐसा रिश्ता होता है जो बहुत पवित्र माना जाता है। मैंने अपने नज़रिए के द्वारा जो है आप लोगों को जो है जज किया था, इन्होंने अपने नज़रिए से उन मौसी को जो है जज किया है,
क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता ना बहुत पवित्र होता है, बहुत पवित्र होता है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को जो है 9 महीने तक अपने पेट में पालती है, फिर जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा भी करती है। कितनी दुख, ज़रूरी नहीं है कि सब जो है अमीर घर से ही औरतें हों, अमीर घर के बच्चे ही हों, कभी कभी इतनी गरीबी में भी औरतें जो है अपने बच्चों को पालती हैं, अपने खुद नहीं खाना खाती हैं पर अपने बच्चों को खिलाती हैं, जो खुद मतलब उनको बिस्तर नहीं नसीब होता, ज़मीन पे सो के जो है अपनी जवानी काट देती हैं, अपने बच्चों को बिस्तर पे सुलाती हैं। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मूवी वगैरह सभी लोग देखते हैं, मोबाइल में भी सब कुछ सभी लोग देखते हैं। मेरा एक्सपीरियंस था उस चीज़ को मैंने शेयर किया था कि ये गलत है, क्योंकि वो अभी बच्चा है और बच्चे के साथ ऐसा संबंध बनाना अच्छी बात नहीं है। मैंने अपना जो है इस जो है सुझाव रखा था उस बच्चे के साथ, और उस बच्चे को मेरे सुझाव जो है बहुत पसंद आया, और उसने अपनी मौसी से जाके बात भी किया कि नहीं मौसी, ये नहीं हो सकता, आप तो मेरी माँ जैसी हो, क्योंकि माँ के बाद मौसी ही ऐसी होती है जो माँ का दर्जा जो है पाती है। आप लोग क्या मानते हो, सही है कि नहीं? मेरा मानना ये है कि जो है जैसे मौसी क्यों उतनी है, वो किसी और के साथ भी उस चीज़ को कर सकती हैं, संबंध बना सकती हैं, अपने शरीर की भूख जो है मिटा सकती हैं, लेकिन एक बच्चे के साथ ये सही नहीं है। एक शारीरिक एक सोशल हो गया, और शारीरिक सोशल जब किसी बच्चे के साथ होता है ना, तो वो कभी उस चीज़ को जो है भूलता नहीं है, उसकी पूरी उम्र ख़त्म हो जाती है, लेकिन उस चीज़ का जो है जो एक्सपीरियंस होता है वो बच्चा कभी नहीं भूलता है। आप भी जब बच्चे थे तब आपने इस चीज़ को किया था एक अधेड़ महिला के साथ, जब आप अभी तक नहीं भूल पाए हों तो क्या वो बच्चा भूल पाएगा? आपने तो जज कर दिया मेरे कमेंट बॉक्स में कि नहीं, वो महिला जो है उस चीज़ की भूखी है। तो सबको पता है कि सबको मतलब कौम इच्छा होती है, सबको जो है संबंध बनाने का मन करता है, लेकिन उनके पति नहीं हैं, तो कभी कभी ये होता है कुछ इच्छाओं को अपने मन में जो है दबा लेना पड़ता है, और ये सभी लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं तो इधर उधर अपना जो है काम चला लेते हैं, पिक्चरों में भी सब लोग जानते हैं और ऐसे भी रियल लाइफ में भी सब लोग जानते हैं कि ये सब होता है, सबको पता है ये सब होता है, लेकिन मैंने अपना नज़रिया रखा था, अपना पॉइंट रखा था, पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, क्योंकि जो है मैं नहीं चाहती थी कि उस बच्चे को मैं गलत नज़रिए से जो है गाइड करूँ, मैं उस बच्चे को उस चीज़ के लिए फोर्स करूँ जिस चीज़ के लिए वो अभी बना ही नहीं है। अभी उसकी पढ़ाई करने की उम्र है, वो पढ़ाई भी करता है, पहले उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है, वो सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। मैं किसी बच्चे को जो है गलत चीज़ें जो है जजमेंट करके नहीं कर सकती, नहीं बेटा तुम इस चीज़ को करो। उसने मुझे कुछ सोच समझ के जो है मेल किया होगा, कुछ सोच समझ के मुझसे अपनी बातें शेयर की होंगी। अगर आप मुझसे कुछ बातें जो है करते हो, अपनी पर्सनल लाइफ की बातें करते हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको अच्छे से जो है गाइड करूँ। मैं अगर गलत तरीके से गाइड करूँगी तो यहाँ पे जो है 80,000 की मेरी फैमिली है, YT फैमिली, उनमें से 40,000 मुझे जो है गालियाँ ज़रूर देंगे, क्योंकि सबका सोचने का तरीका जो है अलग अलग होता है और सभी लोग खुले माइंड के नहीं होते हैं। मैं खुली माइंड की हूँ, फिर भी मैंने इस चीज़ को जो है गलत माना, क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता ऐसा होता है जो बहुत पवित्र होता है, और उस रिश्ते की एक मान मर्यादा होती है, एक बच्चे का एक माँ का, तो उस मान मर्यादा को कभी जो है सॉरी मुझे बीच में जो है वीडियो को जो है थोड़ा सा पुश करना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए जल गई हूँ, कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा यहाँ पे, और बेटी मेरी बार बार जो है फिंगर मेरी फ़ोन पे टच करवा रही थी और बार बार मेरी उंगली जो है दुख जा रही थी, तो इसलिए वीडियो को मुझे कट करना पड़ा था। तो मैं बातें कर रही थी कि मैं गलत जो है डिसीजन अपने बच्चों पे नहीं लेती हूँ, तो आप जो है बाहर के हो और मैं तो जानती पहचानती भी नहीं हूँ, सिर्फ कमेंट बॉक्स में या मेल पे ही बातें हो पाती हैं। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मेरी ज़िंदगी का, मेरी लाइफ का, और वही मैं डिसीजन जो है आप लोगों को सुनाती हूँ, बताती हूँ। मैं गलत किसी को जज नहीं करना चाहती, कभी भी जज भी नहीं करूँगी, क्योंकि गलत तरीके से जजमेंट जो लोग करते हैं ना वो स्वार्थी होते हैं। मुझे इतना स्वार्थी नहीं बनना, इतना व्यू के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। जितनी भी है छोटी या बड़ी जो भी मेरी YT फैमिली है ना, उसमें मैं बहुत संतुष्ट रहती हूँ, क्योंकि ये आप लोगों का प्यार है, आप लोग मुझे प्यार देते हो,
अगर मैं गलत करूँगी, गलत जजमेंट करूँगी, तो आप लोग मुझे ये प्यार नहीं दोगे, क्योंकि सबका सोचने समझने का तरीका अलग होता है, तो जजमेंट करने का भी तरीका कई लोगों का अलग होता है। मेरे से जो है मैच नहीं करेगा, या मेरा तरीका उनसे मैच नहीं करेगा, ये भी हो सकता है। तो जो मेरा तरीका था वो मैंने बताया उस बच्चे को, मुझे अच्छा लगा वो तरीका, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको जो है जिस तरीके से आप ढालोगे ना, उसी तरीके से वो ढल जाएंगे। अगर आप उनको, मैं उन उस दिन उस बच्चे को मैंने ये बोला होता कि नहीं बेटा, तुम उनसे संबंध बना लो, ये सही है, क्या ये डिसीजन सही होता, आप अपने दिल से पूछो। मैं नहीं मानती इस चीज़ को, आप कभी भी नहीं मानूंगी कि ये डिसीजन सही होता, इसलिए जो मुझे सही लगा उस डिसीजन को मैंने बताया। और आप फिर बताइएगा कि आपको मेरा डिसीजन ये कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट हो, डाउट को क्लियर करना हो, मेल पे भी कर सकते हो आप लोग, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। और वीडियो को इसी यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय माता दी। और इसी तरह प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है, फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ, बर्थडे बनाती हूँ, और नहीं चाहती कि मैं आप लोगों से थोड़ा भी दूर रहूँ। तो आप लोग भी मुझसे अगर दूर नहीं रहना चाहते हो, तो ज़रूर मेरे वीडियो को शेयर करें और पूरा देखा करें।